अनस्टॉपेबल मूवी के फैक्टो रिव्यू अनस्टॉपेबल 2010 की दस की, की आपदा आपदायक संतरल फिल्म है जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित और निर्मित है मार्क बॉम्बे द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा विनीति है यह वास्तविक जीवन कि सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भागती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है 2012 में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कोर्ट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोम्बेक उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रॉजर्स एरिक मैकलियाडो एले एलेक्स यंग अभिनीति है डैनजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैंड्ररेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हैरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन की फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल आ, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज़ की तारीख छब्बीस अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में बारह नवंबर 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश से युत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन के लिए ओस्ट के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इस लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि तो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उतरी पैसिलीवेशिया में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेलरोड्स ट्रेन चला रहे थे इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से शरीरिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिया पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने, ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर डे नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करे कि यह पूरी सख्ती से चला रहा है कौंडी ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के करता है और उनमें उनसे सभी केवल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखता है संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कॉट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल फलर का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस मालवाहकारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और ज्लसिन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का आबादी वाले इलाके में का सुझाव है कि वे जानबूझ देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए, चलाए जा रहे दो लो, लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मार्ग कर रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें ए डब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सात सौ सतर अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सात सौ सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतहत्तर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलवेनिया शहर के पास स्टेटन कर के ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी डब्ल्यू वी आर रेल इंजीनियर फ्रेंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डारसी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस बारह के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात सौ सतहत्तर दौड़ से पहले एक आई आर पी आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी सर को तोड़ दिया फ्रैक ने देखा कि सात सौ सतहत्तर की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और स्टेटन इस्ट्रे, कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छः के ब्रेक का उपयोग करें और अपने इंजन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सतर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवनिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की कि वे गैल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पट्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गेलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गारसी को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहां वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह सौ छः की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ सत्तर कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और श्टे, कर्व में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रीड से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ से बनर्थिक हो गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वी पी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है न, नहीं था कि गेलविन को घटना के घटना से खराब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रयान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा विनीति है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भगती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोमबेक उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, एलेक्स यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैनर सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हेरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन और की फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज़ की तारीख 26 अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में 12 नवंबर 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश से उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ धमनी संपादन के लिए ओस्कर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इसे लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उत्तरी पैसिलीवेसिया में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेलरोड्स ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से शरीरिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कोंडी ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के करता है और उनमें उनसे सभी केवल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखता है संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कोर्ट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल, फुल यार्ड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और जबलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझकर ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन को उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मार कर, रेल रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें ए डब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सासों से अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सासों सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतहत्तर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलिवेनिया शहर के पास स्टेटन कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी डब्ल्यू वी आर रेल इंजीनियर फ्रैंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डार्सी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस बारह के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात दौड़ से पहले एक आई आर, आर ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया और फ्रेक ने देखा कि सात सौ की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छह के ब्रेक का उपयोग करें और अपने जन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की किल कि गैलविन ग्याल, कि के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पार्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गेलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गारसी को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहां वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और स्टेटन श्टे, कर् में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ सतहत्तर गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है और डारसी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ सेवनर्थी को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वी पी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है नहीं था कि गेलविन को घटना के घटना से ख़राब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रियान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा बिनती है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भागती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोमबेक उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रॉजर्स एरिक मैकलियाडो एले, एलेक्स यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैनरे सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हेरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन और स्कोर्ट फ्री प्रोडक्शन परफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज़ की तारीख 26 अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में 12 नवंबर 2010 हज़ार दस से उत्तराज अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश से उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ धमनी संपादन के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इसे लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि तो, जब दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उत्तरी पैसिलीवेसिया पे, में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेंगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से शरीरिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कौन ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलविन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के करता है और उनमें उनसे सभी केबल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखते और संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कोर्ट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल फुलरियाड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस माल वाहक कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और जलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझ ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जूड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मारकर रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें एडब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सातों से अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सातों सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ शहर के पास श्टे, श्टे, श्टे के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी आर रेल इंजीनियर फ्रेंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डार्सी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस बारह के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात सौ सतहत्तर दौड़ से पहले एक आई आर पी आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया और फ्रेक ने देखा कि सात सतहत्तर की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेट कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छः के ब्रेक का उपयोग करें और अपने इंजन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डेलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की, की कि किल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पर्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गैलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गारसी को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहां वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रिया प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और श्टे, कर् में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ सतहत्तर गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ सेवनर्थिक को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वीपी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है कि गेलविन को घटना के घटना से ख़राब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रयान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा भी नीति है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भगती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है 2012 में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोम्बेक उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, यंग अभिनी है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैनर सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हेरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू दून मनोरंजन की फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख छब्बीस अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में बारह नवंबर 2010 हज़ार दस से उत्तराज अमरीका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश में युत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इससे लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि तो, जब दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उतरी पैसिलिवेसिया में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल रोड्स ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से सरेलिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी सख्ती से चला रहा है कोंडी ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के संपर्क करता है और उनमें उनसे सभी केबल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखता है संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कॉट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल फुलरियाड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस माल वाहक कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और ज्वलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझकर ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मार कर, रेल रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें एडब्लू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सात अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सातों सतर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलिवेनिया शहर के पास स्टेटन्स टेटन, कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी आर रेल इंजीनियर फ्रेंक और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डारसी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस बारह के साथ पच्चीस कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात सौ सतहत्तर दौड़ से पहले एक आई आर पी आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया फ्रेक ने देखा कि सात सौ सतहत्तर की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छः के ब्रेक का उपयोग करें और अपने इंजन को रे रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी से सेवनिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते हैं और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की, की कि वे गैल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पट्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गेलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गाडारसी को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहां वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रैक स्वतंत्र ब्रेक के सा, साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और स्टेटन कर्व में साफ़ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ सतहत्तर गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है और डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रिड से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ से बनर्थिक को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपने चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वी पी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है नहीं था कि गैलविन को घटना के घटना से ख़राब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा बीनती है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भगती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोमबेक्ट उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, यंग अभिनी है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायाकन बैंड्ररेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है, हैरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू दून मनोरंजन की फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख छब्बीस अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में बारह नवंबर 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन के लिए ओस्टकर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इस लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उत्तरी पैसिलीवेसिया में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से सरेलिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कोंडी ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के संपर्क करता है उनमें उनसे सभी केबल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखता है संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कॉट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल फुलर यार्ड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस uh, माल वाहकारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और ज्लसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझकर ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मार कर, रेल रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें एडब्लू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सातों से अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सातों से सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतहत्तर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलिवेनिया शहर के पास स्टेटन्स श्टे, कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी डब्ल्यू वी आर रेल इंजीनियर फ्रैंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डारसी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस छह के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात सौ दौड़ से पहले एक आई आर, पी, आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया और फ्रेक ने देखा कि सात सौ सतहत्तर की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छह के ब्रेक का उपयोग करें और अपने जन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते हैं और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की किल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पट्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का, उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गैलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गार्सी गार को अपनी बहन से पीछा करने वाली वाले बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहाँ वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही हो पर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे व्हील उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह सौ छः की कैब में वापस जाता है और फ्रैक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और स्टेशन कर्व में साफ़ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है और डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ से बनर्थिक को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वी पी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है नहीं कि गेलविन को घटना के घटना से ख़राब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रियान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा बिनती है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भगती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोम्बेक उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, एलेक्स यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैनरे सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हेरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन और की फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज़ की तारीख 26 अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में 12 नवंबर 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश से उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन के लिए ओस्कर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इस लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उत्तरी पैसिलीवेसिया पे, में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल रोड्स ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से सरेलिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कौन ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के संपर्कर्ता है और उनमें उनसे सभी केबल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखते और संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कोर्ट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुलर फुल यार्ड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस माल वाहक कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और ज्वलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझ ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन को उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मारकर रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें एडब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सासों छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सासों सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतहत्तर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलिवेनिया शहर के पास स्टेटन श्टे, कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी डब्ल्यू वी आर रेल इंजीनियर फ्रैंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डार्सी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस बारह के साथ पच्चीस कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात सौ सतहत्तर दौड़ से पहले एक आई आर पी आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया और फ्रेक ने देखा कि सातर की आखिरी कार में एक खुला कैपिलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छह के ब्रेक का उपयोग करें और अपने इंजन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की किल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पर्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गैलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गारसी को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहां वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और श्टे, कर् में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ सतहत्तर गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ सेवनार्थी को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वी पी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है नि, नहीं था कि गैलविन को घटना के घटना से ख़राब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रयान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा भी नीति है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भगती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोम्बेक उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, एलेक्स यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैनरे सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हेरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन और स्कोर्ट की फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकर द्वारा रिलीज़ की तारीख 26 अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में 12 नवंबर 2010 हज़ार दस से उत्तराज अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश में उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन के लिए ओस्टकर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इसे लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि तो, जब दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उतरी पैसिलीवेसिया में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल रोड्स ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से शरीलिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कौनडी ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलविन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के संपर्कर्ता है और उनमें उनसे सभी केवल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखते और संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कोर्ट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल, फुल यार्ड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस माल वाहकारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और जवलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझकर ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन को उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मार मार कर रेल मार का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें ए डब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सातों से अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सात सौ सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतहत्तर स्टे स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलवेनिया शहर के पास स्टेटन कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर आर्कलो के छोटे शहर के उत तर्क में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी एडब्ल्यूवीआर रेल इंजीनियर फ्रेंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डारसी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस बारह के साथ पच्चीस कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग आदेश दिया वे सात सौ सतहत्तर दौड़ से पहले एक आई आर, पी, आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी सर को तोड़ दिया फ्रेग ने देखा कि सात सौ सतहत्तर की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कार पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छ के ब्रेक का उपयोग करें और अपने इंजन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की, की कि किल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पट्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गैलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गारसी को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहाँ वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात, और सात के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और श्टे, कर् में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ सतर के सामने दौड़ता है जहां बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ सेवनर्थी को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वीपी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है नहीं था कि गेलविन को घटना के घटना से खराब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रयान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा विनीति है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भगती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है 2012 में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोमबेक्ट उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैनर सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हैरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन की फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख छब्बीस अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में बारह नवंबर 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश में युक्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ धवनी संपादन के लिए ओस्कर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इससे लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि तो, जब दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उतरी पैसिलिवेसिया पे, में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेंगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल रोड्स ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से सरेलिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कौन ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के करता है उनमें उनसे सभी केबल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखता है संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कॉट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुलर फुल यार्ड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस माल कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और जबलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझकर ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मारकर रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें डब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सातों से अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सात सौ सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन ऐसा रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतहत्तर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलिवेनिया शहर के पास स्टेटंस श्टे, कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी ए डब्ल्यू वी आर रेल इंजीनियर फ्रैंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डारसी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात सौ दौड़ से पहले एक आई आर, पी, आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया और फ्रेग ने देखा कि सात सौ सतहत्तर की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ के ब्रेक का उपयोग करें और अपने जन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सतर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी से सेवनिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की, की कि वे गैल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पट्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गेलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गसी को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहाँ वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात और के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और श्टे, में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम समापन क्रीड से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में बुरे लाभ के साथ सेवनर्थी को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वी पी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है नहीं था कि गैलविन को घटना के घटना से खराब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा बीनती है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भगती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोमबे उत्पादित है जूली और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, एलेक्स यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन है बैनर सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हैरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन और स्कोट फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज़ की तारीख 26 अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में 12 नवंबर 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश से उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन के लिए ओस्टकर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इस लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उत्तरी पैसिलीवेसिया में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से शरीरिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वह पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कोंडी ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के संपर्क करता है और उनमें उनसे सभी केबल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखता है संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कॉट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल फलर का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस माल कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और जबलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझ ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन को उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मार कर, रेल रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें ए डब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सासों से अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सासों से सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतहत्तर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलिवेनिया शहर के पास स्टेटन कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी डब्ल्यू वी आर रेल इंजीनियर फ्रैंक बानसन और कंडक्टर विल को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डार्सी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था। उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस छह के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात सौ दौड़ से पहले एक आई आर आई पी, पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया और फ्रेक ने देखा कि सात सौ की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छह के ब्रेक का उपयोग करें और अपने जन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवनिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की कि वे गैल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पट्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का, उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गैलविन की स्थिति का नियंत्रण लेते हुए को अपनी बहन से पीछा करने वाली वाले बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहां वे दोनों काम करती है फ्रेक और बिल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर को जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रैक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ सतर कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और स्टेशन कर् में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ सतहत्तर गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ सेवनर्थी को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वी पी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है न, नहीं था कि गेलविन को घटना के घटना से खराब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रियान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा विनीति है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भागती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोमबेक उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, एलेक्स यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैनर सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हेरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन और की फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज़ की तारीख 26 अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में 12 नवंबर 2010 हज़ार दस से युक्तराज अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश से युत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन के लिए ओस्कर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इसे लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उत्तरी पैसिलीवेसिया में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेंगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल रोड्स ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से शरीलिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कोंडी ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के करता है उनमें उनसे सभी केबल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखते और संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कोर्ट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल फुलरयार्ड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस माल वाहक कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और जलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझ ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जूड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मारकर रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें एडब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सासों से अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सासों सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलिवेनिया शहर के पास स्टेटन्स श्टे, कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी आर रेल इंजीनियर फ्रेंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डार्सी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस बारह के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात दौड़ से पहले एक आई आर पी आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया और फ्रेक ने देखा कि सात सतहत्तर की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छः के ब्रेक का उपयोग करें और अपने इंजन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डेलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवनिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की किल कि गैलविन ग्याल। कि के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पर्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गैलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गार्सी गार को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहां वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे व्हील उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया पर में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और श्टे, कर्व में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ सतहत्तर गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है और डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ सेवनर्थी को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वीपी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है नि, नहीं था कि गेलविन को घटना के घटना से खराब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रियान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा विनीति है यह वास्तविक जीवन की सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भागती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोमबेक उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैंड्ररेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हेरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन की फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में 12 नवंबर 2010 हज़ार दस से उत्तराज अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश में उत्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ धमनी संपादन के लिए ओस्कर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इससे लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि तो, जब दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उतरी पैसिलीवेसिया पे, में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेंगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल रोड्स ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से शरीलिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कौन ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के करता है उनमें उनसे सभी केबल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखता है संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कॉट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुलर फुल यार्ड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस माल कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और जलसिन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझ ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जूड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मार कर, रेल रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें एडब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सात अचानक छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सातों सतर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ शहर के पास ऊंचे श्टे, ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी आर रेल इंजीनियर फ्रेंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डार्सी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त करता उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस बारह के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात दौड़ से पहले एक आई आर पी आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया और फ्रेग ने देखा कि सात सौ की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छः के ब्रेक का उपयोग करें और अपने इंजन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सतर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते हैं और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की किल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पट्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गेलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गारसी को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहाँ वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात और के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और स्टेटन श्टे, कर् में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ सेवनर्थी को गए हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वीपी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है नि, नहीं था कि गेलविन को घटना के घटना से खराब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा बीनती है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भगती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोमबेक्ट उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले, एलेक्स यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन ने सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हेरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू ए, दून मनोरंजन और की फ्री प्रोडक्शन परफेक्ट पार्क और बिल्कुल ए, मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकर द्वारा रिलीज़ की तारीख 26 अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में 12 नवंबर 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट देश में युक्तराज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वशेष धमनी संपादन के लिए ओस्टकर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इससे लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानाक जबकि तो, जब दो जबकि दो यार्ड्स होस्टलर उतरी पैसिलिवेसिया पे, में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से सरेलिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर डे नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कोंडी ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के करता है उनमें उनसे सभी केवल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखता है संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कॉट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल फुलर यार्ड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस माल कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और जबलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझ ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मार कर, रेल रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें एडब्लू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के लिए हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सात सौ सतर अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सातों सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन ऐसा फल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतहत्तर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलवेनिया शहर के पास स्टेट कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी डब्ल्यू वी आर रेल इंजीनियर फ्रैंक बार्सन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया विकराया जो अपनी पत्नी डार्सी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस 1206 के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे 770 दौड़ से पहले एक आई आर पी आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया फ्रेग ने देखा कि सात सौ सतहत्तर की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कार पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छः के ब्रेक का उपयोग करें और अपने इंजन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे दे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की, की कि किल कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पट्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने ये जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गेलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गार्सी गार को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहां वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया पर में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह सौ छः की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के सा, साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और स्टेटन श्टे, कर्व में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है डार्सी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ से बनर्थिक को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है और अपनी चोटों से उबर गया है और ए डब्ल्यू वी आर के साथ काम करना जारी रखता है और कोनी को गोलविन के वी पी पद का पदोन्नत किया गया था और जब जबकि यह निश्चित निहित है नहीं था कि गेलविन को घटना के घटना से खराब तरीके से निपटाने के लिए निकाला दिया जाता है रयान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेवी जिसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह फास्ट फूड उद्योग में काम करने लगता है बॉम्बे के द्वारा लिखित और डेन जेल वाशिंगटन और क्रिस पाइन द्वारा बीनती है यह वास्तविक जीवन की सी सी एस एक्स एट 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 घटना पर आधारित है जो एक भगती हुई मालगाड़ी और उसे रोकने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों की कहानी बताती है दो में उनकी मृत्यु से पहले यह स्कॉट द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी निर्देशक टोनी स्कॉट लेखक है मार्क बोम्बेक उत्पादित है जूली लियोन्स और टोली स्कॉट और मिमी रोजर्स एरिक मैकलियाडो एले एलेक्स यंग अभिनीति है डेंजेल वाशिंगटन क्रिस पाइन और रोसारियो डॉनसन छायांकन है बैनर सेरेसिन का संपादित किया गया क्रिस लेबेजोन और रॉबर्ट डफी संगीत है हेरी ग्रेगसन और विलियम्स द्वारा उत्पादित किया कंपनी है टू दून मनोरंजन स्कोट फ्री प्रोडक्शन प्रोफेक्ट पार्क और बिल्कुल आ मिल मिलब्रुक फार्म प्रोडक्शन वितरित किया बीसवीं सेंचुरी फोकस द्वारा रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2010 वेस्टवुड में 12 नवंबर 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी है फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता रही थी इसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और इसे तिरासीवें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ धवनी संपादन के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन इस लेकिन इसे स्तन से हार गया कथानक जबकि दो तो, जबकि दो तो यार्ड्स होस्टलर उत्तरी पैसिलीवेसिया में फुलवर यार्ड्स में एक मिश्रित माल एलेंगनी के वेस्ट वर्जीनिया रेल रोड्स ट्रेन चला रहे थे इंजीनि, इंजीनियर डेवी को पता चलता है कि वे एक की आगे एक अनुगामी बिंदु सही ढंग से शरीरिक नहीं है लीड लोकोमोटिव की कैब छोड़ देता है और सात सौ सतहत्तर इसके बदलने के लिए थ्रोटल को निष्क्रिय पर सेट करना हालांकि उसके वापस आने से पहले यह पूरी शक्ति से चालू हो जाता है जिससे ट्रेन मुख्य लाइन से पूरी गति से क्षणित हो की ओर जाने लगती है यह मानते हुए कि ट्रेन किनारे पर है और डेवी ने, ने यार्ड मास्टर कोनी हुपर को बुलाया जिन्होंने लीड वेल्डर नेड ओल्डम को अपने पिकअप ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक ट्रैक से दूर करने का आदेश दिया लेकिन वे पहुंचते तो पाया कि ट्रेन पहले से ही गुजर चुकी थी वे एहसास एहसास करें कि यह पूरी शक्ति से चला रहा है कौन ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ओस्टर गेवलिन गेलवलिन को सो को सचेत करता है कि, कि स्थानीय काउंटी और राज्य पुलिस के संपर्क करता है और उनमें उनसे सभी केबल क्रॉसिंग को अवरुद्ध करने के लिए कहता है जबकि नेड अपने ट्रैक में सात सौ सतहत्तर का पीछा करना जारी रखता है संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कोर्ट वार्नर रेल सुरक्षा अभियान भ्रमण ट्रेन में छात्रों से मिलने के लिए फुल फुलर यार्ड का दौरा करते समय चेतावनी देते हैं कि सात सौ सतहत्तर की उनतालीस कारों में से आठ में अत्यधिक जहरीला और जबलसीन पिघला हुआ फिनोल होता है जो ट्रेन से पटरी से उतरने पर एक बड़ा आपदा का कारण बन सकता है किसी आबादी वाले इलाके में ओनी का सुझाव है कि वे जानबूझकर ट्रेन को उस समय पटरी से उतार देते हैं जब आबादी रहित खेल खेत से होकर गुजरती है गैलविन को उनकी राय को खारिज कर दिया गया और उनका मानना है कि वे अनुभवी इंजीनियर जुड स्टीवर्ट्स द्वारा चलाए गए चलाए जा रहे दो लोग लोकोमोटिव के पीछे ट्रेन को मा, मार कर, रेल रेलमार्ग का पीछा कर बचा सकते हैं जिसमें ए डब्ल्यू वी आर कर्मचारी और यूएस मरीन अनुभवी रयान स्कोट के हेलीकॉप्टर से नियंत्रण के पर तक उतरने के लिए ट्रेन को धीमा कर दिया जा सकता है लेकिन प्रयास के दौरान रयान बेहोश हो जाता है और जब सातों से अचानक नीचे छूते हुए आगे बढ़ता है तो स्टीवर सातों सतहत्तर को साइटिंग की ओर मोड़ने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है तब वह मारा जाता है जब उसके इंजन एक स्विच पर पटरी से उतर जाते हैं और इंजन और डीजल इंजन पर ज्वलित हो जाता है जिससे लेंस अप इंजन नष्ट हो जाते हैं और कैलविन को पता चलता है कि सात सौ सतहत्तर स्टेशन से भारी आबादी वाले दक्षिणी पेसिलिवेनिया शहर के पास स्टेटन श्टे, कर के ऊंचे ट्रैक पर पटरी से उतर जाएगा और वह इसे जानबूझकर कर आर्कलो के छोटे शहर के उत्तर में पटरी से उतारने का फैसला करता है इस बीच अनुभवी डब्ल्यू वी आर रेल इंजीनियर फ्रैंक बानसन और कंडक्टर विल कोल्सन को एक नया किराया जो अपनी पत्नी डार्सी के प्रतिबंधक आदेश के कारण व्यस्त कर था उत्तर की ओर जाने वाली एक ही लाइन पर लोको मोटिस बारह के साथ 25 कारों को खींच रहे एक मुख्य लाइन में एक साइटिंग का आदेश दिया वे सात दौड़ से पहले एक आई आर पी आ, आर आई पी ट्रैक में घुस गए और अपने आखिरी बॉक्स सर को तोड़ दिया और फ्रेक ने देखा कि सात सौ सतर की आखिरी कार में एक खुला कैपलर है जो उनका प्रस्ताव है कि वे रिवर्स में यात्रा करें और इस्टे, स्टेटन कर पर पहुंचते हैं पहले सात सौ सतहत्तर को धीमा करने के लिए बारह सौ छह के ब्रेक का उपयोग करें और अपने जन को रनवे से जोड़ने का प्रयास करे विल ए, विल अपनी कारों को अलग कर देगा जबकि फ्रेक कोनी और गैलविन को अपनी योजना के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि गैलविन को पोर्टेबल डैलर्स का उपयोग करने का विचार सातों से सत्तर की गति को देखते हुए विफल हो जाएगा और गैलविन ने फ्रेक को नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसने गैलविन को सूचित किया कि उसे पहले ही जल्दी जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है लेकिन गैलविन ने विल के साथ कोनी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी जब वह उनके लिए बोलती है कि लेकिन वे उसे अनदेखा करते और अपना पीछा जारी रखते हैं जैसा कि फ्रेक ने भविष्यवाणी की, की कि कि गैलविन के आतंक को देखते हुए ट्रेन पार्टेबल पर्टी से उतरने वाले के बीच बिना किसी बाधा के गुजरती है और जाने यह जानते हुए कि फ्रेक की योजना आपदा को रोकने का उनका एकमात्र मौका है कोनी और वार्नर गेलविन की से स्थिति का नियंत्रण लेते हुए इस बीच गारसी को अपनी बहन से पीछा करने वाले वाली बिल की भागीदारी बारे में पता चलता है और जबकि फ्रेक की बेटियों को हुटर से टीवी समाचार कवरेज को अपने पिता की भागीदारी के बारे में पता चलता है जहां वे दोनों काम करती है फ्रेक और विल सात सौ सतहत्तर के पीछे चल रही होपर कार को पकड़ते और कपलर के जोड़ने का प्रयास करते जब वह लॉकिंग पिन नहीं जुड़ता तो वे विल उसे लात मारता है और लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर दब जाता है और विल लड़खड़ाते हुए बारह की कैब में वापस जाता है और फ्रेक स्वतंत्र ब्रेक के साथ सात सौ सतहत्तर को धीमा करने की कोशिश करता है लेकिन सात सौ सतहत्तर अभी भी पावर में होने के कारण बहुत कम आगे बढ़ पाती है और गतिशील ब्रेक थोटल पर काम करने के लिए विल कैब में रुकता है जबकि फ्रेक प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की जोखिम भरे प्रयास से सात सौ कारों के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाता है और आखिरकार बारह सौ छः के डायनमिक ब्रेक खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में ट्रेन फिर से गति पकड़ने लगती है और स्वतंत्र एयर ब्रेक का उपयोग करते हुए विल विल रेडियो द्वारा फ्रेक को साथ ब्रेक टाइमिंग सा का समन्वय करता है और स्टेटन श्टे, कर् में साफ करने के लिए पर्याप्त गति को काम करने का प्रबंध करते हुए जैसे ही सात सौ गति पकड़ती है तो फ्रेक को सात सौ के बेक कैब का रास्ता अवरुद्ध लगता है और नेड़ अपने ट्रक को पटरियों में समांतर एंड सड़क पर आता है और बिल नेड के ट्रक के बिस्तर पर कूद जाता है और नेड़ सात सौ के सामने दौड़ता है जहाँ बिल लोकोमोटिव पर चढ़ जाता है और थोटल को निष्क्रिय कर देता है और ब्रेक लगाता है और अत्यंत भागती हुई ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है और डारसी अपने और विल के बेटे के साथ आती है और उसके साथ फिर से मिलती है और कोनी उन लोगों को बधाई देने देने के लिए आती है जिन्हें निर्णायक के रूप में सम्मानित किया था सम, समापन क्रेडिट से पहले यह पता चलता है कि फ्रेक को पदोन्नत किया गया जब बाद में पूरे लाभ के साथ सेवनर्थिक को गया हो गया और बिल का डार्सी के साथ मेल मिलाप हो गया जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद